हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई अच्छी सी वीडियो बनाए, लेकिन दोस्तों कोई अच्छा टॉपिक ही नहीं मिल रहा था। दोस्तों मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक मशीन है, इस मशीन में प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोटर है और ये मशीन है, और इसका देखिए यहाँ पे पैडल पड़ा हुआ है, एक्सीलेटर जिसको बोलते हैं, कोई कोई इसको पैडल बोलता है। दोस्तों इसमें कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये बोर्ड ख़राब हो रहा है। दोस्तों आपको तो पता है ये बोर्ड काफ़ी हल्के बोर्ड होते हैं, मतलब इनकी क्वालिटी इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कंपनी जैसे कंपनी के बोर्ड होते हैं, जुक्की के बोर्ड होते हैं, जैक के बोर्ड होते हैं कंपनी के, दोस्तों उस हिसाब की इसकी क्वालिटी नहीं होती है। तो दोस्तों ये बार बार दिक्कत आ रही थी, कस्टमर बहुत पैसे भी लगा चुका था, तो उसने बोला क्या कि अजय काफ़ी मतलब पैसे लग रहे, तो बार बार मशीन इसकी ख़राब भी हो रही थी। तो फिर हमने सोचा कि कुछ करते हैं इसके लिए, मतलब कुछ करते हैं दोस्तों। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये बोर्ड को हटा दें ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो। दोस्तों तो हमने ये बोर्ड हटा दिया है, ये वाली मोटर है इसको भी हटा दिया साइड में, और ये जो बोर्ड है इसको भी हमने हटा दिया साइड में, ठीक है दोस्तों। तो अब इसकी जगह हम लगाएंगे एक मोटर जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी चलने में काफ़ी ठीक ठाक है। तो ये मोटर है, देख सकते हैं आप, ये मोटर है दोस्तों, ये वाली मोटर दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक लग रही है चलने पे। अभी तक मैंने लगाया है तो कंप्लेंट तो फ़िलहाल में तो नहीं है, आगे का कोई पता नहीं, लेकिन अभी तो काफ़ी सही लग रही है और नया ही है। और ये देखिए ये बोर्ड है, न्यू बोर्ड है ये दोस्तों। अगर आपकी भी ऐसी कोई मशीन हो ना तो ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए कि आपकी मशीन ऐसी है, तो उसके लिए बताएंगे क्या करना है। ये वाला आप लगवा सकते हैं बोर्ड, तो दोस्तों हम लोग ये फिटिंग करेंगे इसमें, ठीक है, ये मशीन में हम लोग ये बोर्ड और ये फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो हमें देखिए इसके साथ में पहिया भी है, देख सकते हैं कि इसका पहिया भी है, व्हील जिसको बोलते हैं, और कनेक्टिंग रॉड मिलती है आपको, और ये एक्सीलेटर भी मिलता है, ठीक है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फाइनली दोस्तों हमने इस मशीन की मोटर को फिटिंग कर लिया है, अच्छे से फिटिंग कर लिया है, और आप इसका लुक आप देख सकते हैं, लुक काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है ना कि इसमें लोहे का या एल्युमिनियम का ना कुछ वो एक प्लेट होती है ना, सिंक जिसको बोलते हैं, हीट सिंक, वो नहीं लगी है, और इसमें बोर्ड में लगी लेकिन इसमें नहीं लगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है, करंट वगैरह ये मशीन में दिक्कत नहीं है आगे करंट मारने की। दोस्तों अब फाइनली इसको हम चला करके देखते हैं कि हमारी मशीन ये कैसे चलेगी। इसको हमने ऑन किया, यहाँ पे प्लग है ये, सॉरी यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, और हमने मशीन को रेडी कर लिया है। मशीन रेडी हो गई, अभी इसका ये एक्सीलेटर है, इसको पैडल भी बोलते हैं, एक्सीलेटर भी बोलते हैं, इसको चलाएंगे हम। देखिए दोस्तों इस मशीन में यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, अगर आपकी मशीन में लाइट भी होगी तो काफ़ी अच्छी लाइट भी जलेगी इससे। और दोस्तों कैसी लगी हमारी ये मोटर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई मशीन पड़ी है जो कि बिल्कुल भी नहीं बनने के लिए, बिल्कुल डेड हो गई है, उसकी मोटर बिल्कुल डेड हो गई है, दोस्तों आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस मोटर का प्राइस है 4500, यानी कि 4500 रुपये इस मोटर का प्राइस रहेगा, और ये हमारे पास मिलेगी आपको लोकेश इलेक्ट्रॉनिक गांधीनगर में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और आप नेक्स्ट वाली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि क्या मैं बताऊँ आपको, किस विषय में आपको जानकारी दो दोस्तों, तो उसके बारे में आप ज़रूर हमें बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।